अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सर शाहरुख खान, आई एम फिज़िक्स टीचर। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ रियल स्कॉलर्स स्कूल सिस्टम। दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 8। स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 3। नाउ वी विल गेट टू द एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन योर पेज नंबर 81, MCQs। MCQs number 1 MCQ says that Newton's first law of motion is valid only in the absence of। Newton's first law जो था students, वो आपके पास inertia के बारे में था कि कोई भी चीज़ तब तक अपनी जगह पर रहती है अगर वो रुकी हुई है तो, और तब तक चलती रहती है अगर वो चल रही है तो, जब तक कि कोई external force या net force उसके ऊपर act ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पहले ऑप्शन का आंसर होगा कि जब तक नेट फोर्स एक्ट नहीं करती तब तक फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड है, तो बी ऑप्शन इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू कहते हैं इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। इनर्शिया आपको पता है जितना ज़्यादा किसी भी बॉडी का मास हो उतना ज़्यादा रुके रहने की उसकी सलाहियत होती है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी उतनी ज़्यादा चलते रहने की सलाहियत होती है। और गैलीलियो ने मास को डायरेक्टली रिलेट किया था इनर्शिया के साथ, तो यहाँ पे आपके पास मैथ्स इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखे थर्ड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू में ये कहा जा रहा है बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज अ डेंजर फॉर फॉलोइंग हिम टू फॉल। आपको पता है जब स्टूडेंट्स आप किसी चलती हुई गाड़ी से या बस से कभी उतरे हों कोई आप में से, तो आपको पता है आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी इनर्शिया की वजह से आप बस से तो उतर जाते हैं, बट क्योंकि आपकी बॉडी फॉरवर्ड मूव करी थी इसलिए इनर्शिया की वजह से इवन बस से उतरने के बाद भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। तो आप इसका ऑप्शन कुछ इस तरह लगाएंगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 4, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज 10 न्यूटन ईच। मतलब एक स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर, या आप ये पुली वाली एग्जांपल लें, जैसे आपकी पुली वाला केस था एटवुड मशीन का, इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स और इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, लग रही है, यानी यहाँ पे जो है ना आप यूँ कह सकते हैं कि वेट है W1 और W2, ये दोनों 10 न्यूटन फोर्सेस से नीचे की तरफ इस स्ट्रिंग को खींच रहे हैं, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी वो आपने बतानी है। तो यहाँ से बहुत सी लॉजिक्स लगाई जाती हैं, कुछ लोग कहते हैं दोनों साइड से फोर्सेस लग रही हैं तो एक स्ट्रिंग है उसमें आपके पास जो है वो, उसमें आपके पास कुछ यूं करके वो फोर्स लगाते हैं, एक इस तरफ से फोर्स लग रही है, एक फोर्स इस तरफ से लग रही है, जबकि तो अगर इस तरह देखा जाए तो वो कहते हैं दोनों फोर्सेज एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगी अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, तो स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं होगी। तो बच्चों कॉमन सेंस यहाँ पे जो है ना वो आपकी इस बात को नहीं मानती। वो इसलिए नहीं मानती क्योंकि अगर तो दोनों साइड की फोर्सेज ने इफेक्ट कैंसिल कर दिया है तो स्ट्रिंग को, तो फिर उसमें अगर टेंशन नहीं है तो स्ट्रिंग को फिर स्ट्रेच तो नहीं होना चाहिए, उसको तो ढीला होना चाहिए इस तरह, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अगर हम इसको यहाँ से फाइंड करें अपने इस फार्मूला से कि जब दोनों के दोनों मैसेज आपके वर्टिकली हैंग्ड होते हैं यहाँ पे M1, ठीक है, और M2, जब दोनों साइड्स पे आप दो मैसेज हैंग करते हैं और उनकी आपके पास जो है वो जो टेंशन का फार्मूला है इस केस में आपके पास T इज़ इक्वल टू 2M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इस फार्मूले से अगर आप फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको अपने सामने सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर इस फार्मूले से आप फाइंड करते हैं तो आपके पास 10 न्यूटन इसका आंसर आ जाता है। किस तरह कि आप टेंशन फाइंड करने लगे हैं उस केस के लिए एटवुड मशीन की जिसमें दोनों साइड से स्ट्रिंग्स हैंग थी, और सॉरी 2 भी यहाँ पर आएगा, दोनों साइड से स्ट्रिंग्स ऐड थी और स्ट्रिंग दोनों साइड से मैसेज अटैच थे, और ये फार्मूला बनता है इसमें टेंशन का। तो आपने वैल्यूज अगर पुट करनी है तो आपको तो वेट गिवन है 10 न्यूटन ईच वेट है ना उसका, तो आपको तो वेट गिवन यानी फोर्स गिवन है, आप उससे मास कैसे निकालते हैं आपको पता है एज W इज इक्वल टू mg, ठीक है, जी की वैल्यू यहाँ पे आप 10 पुट करेंगे और W आपको गिवन है 10 न्यूटन, तो जब 10 डिवाइडेड बाई 10 होगा तो आपके पास मास कितना आ जाएगा 1 kg, यानी यहाँ पर W की जगह भी 10,
डिवाइडेड बाय इस ग्रेविटी जी को इधर जब नीचे ला के आप डिवाइड करेंगे तो ग्रेविटी की जगह भी 10, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू मास। तो 10 से कट जाएगा, बट ये न्यूटन्स हैं और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब न्यूटन के अंदर मौजूद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कटेगा तो आपके पास जस्ट केजी बचेगा न्यूटन के अंदर से, तो आपका जो मास आएगा वो 1 केजी आएगा। तो अब दोनों मैसेज आपके 1 केजी के हैं। अब मैं उस फार्मूला में टेंशन के मैं मैसेज को पुट करता हूँ, 1 केजी मल्टीप्लाई 1 केजी डिवाइडेड बाय 1 केजी प्लस 1 केजी, बिकॉज नीचे प्लस था और ऊपर हमने इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फार्मूले में जो 2 था उससे, और मल्टीप्लाई बाय हमने ग्रेविटी वाला 10 कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 जर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 10। अब स्टूडेंट्स ये जो 1 केजी और ये केजी था ये मल्टीप्लाई होके केजी स्क्वायर हो जाता है और डिनोमिनेटर में ऐड होके जस्ट 2 केजी आता है, तो ऊपर वाला केजी स्क्वायर का 1 केजी नीचे वाले के केजी से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर जस्ट 1 केजी बचेगा। और ये 10 मीटर स्क्वायर जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन है, और केजी जब पर मीटर स्क्वायर से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर में न्यूटन बनेगा, और ये 2 और 2 कट जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा जब इस 10 से तो आपके पास 10 न्यूटन आंसर आएगा। तो स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी, 10 न्यूटन, ठीक है। तो इसका आप ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन सी, 10 न्यूटन, ठीक है। अच्छा इसके बाद है कि मास ऑफ द बॉडी क्या करता है। मास ऑफ द बॉडी आपको पता है कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मास की, तो आपका मास ऑफ द बॉडी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, यानी नो डिक्रीज विद द एक्सेलरेशन, नो इंक्रीज विद द एक्सेलरेशन, नो डिक्रीज विद हाई वेलोसिटीज। तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव, बिकॉज द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। अच्छा सिक्स MCQ आप देखेंगे कि टू बॉडीज हैं, दोनों मैसेज M1 M2 की अटैच दुनिया स्ट्रिंग से, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, फंक्शन लेस पुली से पास हो रही है, दोनों वर्टिकली मूव करी हैं, तो उस केस में आपकी एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था। ये सिंपल है, ये आप लोग खुद भी बता सकते हैं, बट मैं सही बता दूँ ऑप्शन आपको पहले से बी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ओके। नाउ सेवन्थ MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का स्टूडेंट्स यूनिट आपको पता है, जैसे कि फार्मूला होता है मोमेंटम का, पी इज इक्वल टू एम वी, एम का यूनिट हो गया केजी, वी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो ये होता है केजी मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड का ऑप्शन गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लगाना कन्फ्यूज होकर, ये न्यूटन का यूनिट है, न्यूटन का इक्विलेंट है। केजी मीटर पर सेकेंड को आप अगर न्यूटन की टर्म्स में लिखे हैं, बिकॉज ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं है बी ऑप्शन, तो ये 3 बचते हैं पीछे। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे इसको मैं अगर न्यूटन की टर्म में बनाना चाहूँ तो मुझे 1 पर सेकेंड और चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस केजी मीटर पर सेकेंड को 1 पर सेकेंड को पर सेकेंड स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसको 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई, सॉरी ये पर सेकेंड है यहाँ पे, 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई और 1 सेकेंड से डिवाइड करता हूँ खुद से। तो स्टूडेंट्स ये नीचे वाला सेकेंड है ये ऊपर जाके पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा और साथ 1 सेकेंड आ जाएगा। अब जो नीचे वाला सेकेंड ऊपर गया है और पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है तो वो बन गया है न्यूटन, और साथ ये वाला सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड 1 यूनिट बनता है मोमेंटम का। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है, 7th MCQ का आंसर है सी, न्यूटन सेकेंड। फिर 8th MCQ आप देखेंगे कि जब हॉर्स जो कार्ट को पुल करता है, ठीक है, तो एक्शन किस पे हो रहा है बेसिकली, देखें घोड़े का जो एक होता ना आपके पास हॉर्स है, ये पता नहीं कैसा हॉर्स बनेगा बट वो ये तो डॉग ही बन गए, चले हम बॉक्स बना लेते हैं, ये हॉर्स है आपके पास, ठीक है, फ्रंट पोर्शन में नहीं बना रहा हूँ, इसके पीछे आपके कार्ट लगी है और ये उस कार्ड का टायर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें वो पूछे हैं कि एक्शन किस पर हो रहा है, तो जस्ट कार्ड को फोर्स लगा के घोड़ा तो खींच नहीं रहा आगे, ठीक है, यानी एक्शन उस पर तो हो नहीं रहा, घोड़ा यहाँ से साथ अर्थ के ऊपर भी एक्शन कर रहा है, ठीक है, अपने पाँवों से अर्थ के ऊपर भी एक्शन कर रहा है और कार्ड के ऊपर भी एक्शन कर रहा है जो उसने अपने साथ बांधी हुई है पीछे कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन अर्थ पर भी हो रहा है ड्यू टू द शू ऑफ हॉर्स, ठीक है,
और दूसरा एक्शन कार्ड के ऊपर भी हो रहा है ड्यू टू द पुलिंग फोर्स ऑफ द हॉर्स, तो इसमें आपका ऑप्शन है डी, दोनों के ऊपर एक्शन हो रहा है। ठीक, अच्छा, नाइन्थ आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। देखें, फ्रिक्शन को कौन कम करेगा, जो कोल्ड वेल्ड्स को फिल कर देगा ना, तो कोल्ड वेल्ड्स को तो वाटर भी फिल करता है, ठीक है, ऑयल भी, तो हम यहाँ पे दो ऑप्शन तो देखें आपके वैसे ही निकल गए, मार्बल पाउडर भी कर सकता है, एयर भी, लेकिन वो बहुत कम, ठीक है। ऑयल जो है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा, आपको पता है जब भी ऑयल जो है वो कहीं किसी चीज़ के ऊपर गिरता है या हम लगाते हैं तो फ्रिक्शन ग्रेटली रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, बट ऑयल जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, तो आपने हमेशा बेस्ट ऑप्शन लगाना होता है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है मेटल प्लेट्स की बात हो रही है, देखिए मेटल प्लेट्स, तो मेटल प्लेट्स में आप ऑयल जो है वो जब भी लगाएंगे, जैसे बाइक्स गाड़ियों वगैरह में ग्रीस हम लगाते हैं ऑयल टाइप, तो उससे भी क्या होता है फ्रिक्शन ही कम होती है, तो ऑयल जो है वो बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए, मेटल प्लेट्स के लिए। तो अभी तक आपके एम सी क्यूज थे, आप क्वेश्चन नंबर 3.2 देखें अपना, तो ये भी आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे पहले से पता ही है कि इनर्शिया की डेफिनेशन आपने लिखनी है, मोमेंटम, फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सेंट्रीपेटल फोर्स, इन सब की डेफिनेशन जस्ट आपने लिखनी है, और ये आपको आती भी होंगी, आपने याद की होंगी, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं इजीली। अभी इधर नोट्स पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3.3 हम देखते हैं अपना, ये ठीक है, 3.3 देखते हैं। स्टूडेंट्स 3.3 में पहला जो उनके डिफरेंस मांगे उन्होंने मास एंड वेट का, ठीक है, ये आपके पास ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 के तौर पे सॉल्व हुए हुए हैं, ये तीन आपके पास डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे दो डिफरेंसेस तो आपके सामने लिखे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन का देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम चलते हैं पहले वाले पर। तो एक्शन एंड रिएक्शन अगर आप देखें स्टूडेंट्स, हम ये एग्जांपल एक ले रहे हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हम कहते हैं जिस किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट दूसरे पर रिएक्शन करता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे कि हम दो बॉडीज लेते हैं, ठीक है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, दोनों बॉडी में अगर हम यूँ कहें कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो हम यूँ कहेंगे कि ये जो ए बॉडी है, ठीक है, अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और इन टर्न बी भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, अगर ए वाली फोर्स को हम एक्शन कह दें, ठीक है, तो बी जो फोर्स लगा रही है उसको हम क्या नाम दे देंगे, रिएक्शन का, ठीक है, उसको हम रिएक्शन का नाम दे देंगे। तो हम इस तरह करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो वो यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपके लिए लिखी कि अगर हम वॉकिंग करते हैं ग्राउंड पे, तो हम बेसिकली एक्शन करते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, हमेशा जब भी दो बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो एक बॉडी एक्शन करती है और दूसरी इंटरटर्न रिएक्शन करती है विद इक्वल मैग्नीट्यूड, ये न्यूटन का थर्ड लॉ था ना। तो मैं जब ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ अपने पैरों से, तो वो मेरा एक्शन कंसिडर हो रहा है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और इन रिटर्न मुझे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो अर्थ है वो मुझे रिएक्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं जो ग्राउंड में अपने पाँव की मदद से फोर्स लगा रहा हूँ वो मेरा एक्शन है, और ग्राउंड जो मुझे आगे भेज रहा है वो रिएक्शन है। बेसिकली ग्राउंड मुझे आगे नहीं भेज रहा, बेसिकली ग्राउंड बस मेरे ऊपर उतनी फोर्स वापस लगा रहा है जितनी फोर्स मैं उसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूँ वो मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है मेरे ऊपर फोर्स। बट असल में यूँ है कि मेरा जो मास है वो अर्थ के रिस्पेक्ट से बहुत कम है और मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है, तो इनर्शिया की वजह से, मास ज़्यादा होने की वजह से अर्थ का इनर्शिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ पीछे की डायरेक्शन में उसकी वजह से अर्थ मूव नहीं करता। बट जब अर्थ मेरे पास उतनी फोर्स वापस लगाता है एज अ रिएक्शन, तो मेरा मास बहुत कम है, मेरा इनर्शिया बहुत कम है, तो मैं फॉरवर्ड मूव कर जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन का डिफरेंस आप देखें, तो सबसे पहला जो डिफरेंस मैंने बताया आपको वो है रेजिस्टिव फोर्स जो है वो एक्ट करती है जब भी कोई बॉडी जो है वो स्लाइड करे या रोल करे ओवर द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंस किस तरह, कुछ इस तरह से लिखेंगे कि होल बॉडी जो है आपकी वो कॉन्टैक्ट में होती है इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये पूरी की पूरी बॉडी इन कॉन्टैक्ट है विद द सरफेस, और रोलिंग के केस में कुछ पॉइंट्स जस्ट जो है वो
जो आपस में कोल्ड वेल्स जो हैं वो कुछ जो हैं वो आपस में इन कॉन्टैक्ट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा कोल्ड वेल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर होगी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर दैन रोलिंग फ्रिक्शन है, ये बात आपने पढ़ रखी है। ड्यू टू दिस रीज़न कि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ स्लाइडिंग और कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कम होते हैं इन केस ऑफ रोलिंग। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होगी। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा पॉइंट्स इन कॉन्टैक्ट होंगे बिटवीन द सर्फेसेज और रोलिंग फ्रिक्शन में कम पॉइंट्स इन कॉन्टैक्ट होंगे बिटवीन द सर्फेसेज। ठीक है, तो आपने इस तरह से डिफरेंस इनका एक्सप्लेन कर देना। अच्छा, इसके अलावा हम पहले पर जाते हैं। अपना पहला जो हमारा डिफरेंस था मास और वेट वाला डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपके मास और वेट का डिफरेंस लिखा है। इसमें ये कह रहे हैं कि एक मास, देखें आपको पता है क्वांटिटी ऑफ मैटर है पोजेस्ड बाय एनी बॉडी, और वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वो फोर्स है जो जिस फोर्स से अर्थ जो है उसे अपनी तरफ खींचती है। तो एक फोर्स है और एक जस्ट, यानी आप यूं कहें कि एक जो है वो वेक्टर है, यानी एक की कोई डायरेक्शन है जो फोर्स है यानी एक्ट करिए अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, एक कोई वेक्टर है और दूसरा स्केलर है जस्ट एक क्वांटिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय एनी बॉडी। तो इसका एक डिफरेंस ये होगा स्केलर होने का, यानी क्वांटिटीज़ का, कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर। फिर डेफिनेशंस का एक डिफरेंस, फिर फार्मूले का डिफरेंस आप देखें तो एफ इज इक्वल टू एम ए के मुताबिक आप ये मास का फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, फोर्स ओवर एक्सेलरेशन। वेट का भी सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन वेट के लिए हम यूज़ करते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, क्वान्टिटीज़ वही यूज़ हुई हैं, लेकिन एक फोर्स है वेट डब्ल्यू। अब देखें इसको मैंने वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ पे बोल्ड में, और एक क्वांटिटी स्केलर है मास, यानी उसको मैंने स्केलर ड्रॉ किया है बोल्ड में नहीं है वो। इसके बाद आ जाए यूनिट के ऊपर, तो एक स्केलर उसका यूनिट केजी है, मास का यूनिट केजी है एसआई यूनिट, और फोर्स का यूनिट बनता है न्यूटन, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट का भी एक डिफरेंस आ सकते हैं। फिर अगर वेरिएशन देखी जाए तो आपके पास, आपको पता है मास जो है वो एक कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, यानी वो चेंज नहीं होती, मास जो है वो कॉन्स्टेंट है। लेकिन वेट जो है वो चेंज हो सकता है जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाते हैं, ठीक है, वो आपका कम होता जाता है ग्रेविटी है और वेट कम होता जाता है ड्यू टू द डिक्रीज इन ग्रेविटी। ठीक है, आप यूँ भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट होगा इन्फिनिटी पर जहाँ पे आपका वेट ज़ीरो भी हो सकता है, बट मास कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट देखें, अगर हम किससे मेजर कर सकते हैं तो हम लोग ये फिज़िकल बैलेंस से मेजर कर सकते हैं और ये स्प्रिंग बैलेंस से। ये आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े मेजरिंग बैलेंसेस, तो इसलिए आपको इसकी शायद समझ ना आए, बट आप ये डिफरेंस एक ऐड कर सकते हैं। अभी अब आपकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है तो वो आप लोग करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अभी यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। इसको पढ़ें, इनको सीखें और जो है प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम 3.4 से जो है वो आगे ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।